हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं था अपने पापा के शॉप पे, तो आपको पहले अपने पापा के शॉप दिखाता हूँ मैं। ये पापा का बोर्ड है और पापा अंदर देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों, मेरे पापा देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल, वो बहुत देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद है क्राइम पेट्रोल। और दोस्तों, मैं बैठा था अपने दोस्त के पास, आकाश के पास। ये हैं मैकेनिक, सामने देख ले यार। हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये मैकेनिक है, तो ये अभी थोड़ा मैं फ्री था, तो ये मुझे बोल रहा है कि मेरे साथ चलो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। और एसी का मैकेनिक है ये बंदा, देख लो उसको ध्यान से। ये एसी ठीक करता है, कूलर ठीक करता है, पंखे वगैरह सब ठीक कर देता है ये। तो मुझे बोल रहा है कि दिलीप, तुम अगर फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल लो, थोड़ी मेरी हेल्प कर देना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, हेल्प तो करना अपना काम है। तो दोस्तों, किस जगह जाना है? जंडवाला। जंडवाला, वाह यार। दोस्तों, ये हमारे पंजाब के गांव के नाम है, जंडिया पिंड। ठीक है, जंडवाला, जंडिया पिंड कह सकते हैं ना। जंडिया पिंड जंडवाला की है। दोस्तों, जंडिया पिंड है, तो वहां पे ये लड़का जाएगा एसी ठीक करने। तो मुझे सर्विस करने, सर्विस करने। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ठीक करने, सर्विस करने जाओगे ना। तो दोस्तों, अभी हम बस जा रहे हैं। उठाओ बैग अपना यार, जो सामान उठाओ, बहुत भारी सामान है, तो मैं तो भारी सामान उठाऊंगा नहीं, इससे उठवाऊंगा अपने दोस्त से, क्योंकि ये बलवान है ना, दोस्त है मेरा। दोस्तों, ये देखने में थोड़ा कमजोर है, मगर इसके अंदर बॉडी बहुत है, बहुत इसकी बॉडी अंदर। इसको देखने में आप कमजोर मत समझना। तो सामान ले लिया है, चलते हैं। जल्दी आओ दोस्तों, मैं जल्दी बाइक चलाता नहीं ज़्यादा, तो मैं साइकिल से आता हूँ पापा की शॉप पे। ये अपनी साइकिल है मेरी। मगर आज मैं बाइक चलाऊंगा, क्योंकि भारी सामान लिया है आकाश ने। बैठूं। तो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं और बाइक मैं चलाऊंगा। और ये देखो, पीछे बैठा है मैकेनिक, जो है सुपर मैकेनिक। तो निकलते हैं यहाँ से, चलो। दोस्तों, ब्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है, इसलिए स्किप मत करना और पूरा देखना। पूरा
दोस्तों आज का मौसम बहुत ही सुहाना है और सच कहूँ तो धूप है, मगर दोस्तों धूप का एहसास नहीं है क्योंकि दोस्तों हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। और सच कहूँ तो बाइक पे जब चलते हैं ना तो हवा इतनी प्यारी लगती है और मौसम अच्छा हो तो क्या कहना। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र करने में और बहुत ही जल्दी हम उस जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ पर मेरे दोस्त का काम है, जहाँ पर वो मैकेनिक का काम करेगा। और खेत इतने प्यारे हैं, बादल कितने प्यारे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही बेस्ट ब्लॉग बनने वाला है ये। मैं जल्दी से ब्लॉग नहीं बनाता, मगर मैं जब बनाता हूँ तो बिल्कुल अच्छे से बनाता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग बिल्कुल अच्छा बने। तो दोस्तों इसको स्किप मत करना भूल कर भी, और पूरा वीडियो देखना दोस्तों। तो दोस्तों जब तक हम पहुँचेंगे तब तक मैं आपको कुछ गीत सुना देता हूँ। आज मौसम बड़ा बेमन है, बड़ा बेमन है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेमन है, बड़ा बेमन है आज मौसम। तो दोस्तों यहाँ पर हम रास्ता थोड़ा सा भटक गए हैं, तो वो फ़ोन लगा के मेरा दोस्त पूछ रहा है कि हमें किस जगह पे बिल्कुल आना है। चले गया, लग गया पता कहाँ पे। हाँ चलो यहाँ से निकले अब। तो गाइज अब हमें सही लोकेशन मिल चुका है कि वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचना है वो किस जगह पे है। तो वो बिल्कुल सही जगह हमें एग्ज़िट पता चल चुका है, तो हम लोग वहाँ के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं और बस थोड़ा ही सफ़र बाकी है। और वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा है और कैसा काम है, कैसा क्या करना है, बाकी आप आगे सब कुछ देखेंगे। बस दोस्तों वीडियो को आप कट मत करना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों हम घर पर पहुंच चुके हैं और जो मेरा दोस्त है आकाश, वो जिस काम के लिए यहाँ पे आया था वो कर रहा है। वो अभी कोई वायर कोई तार खोल रहा है, खोल चुका है। अब मुझे लगता है ये बाहर निकालेगा, तो इसे निकाल के और इसकी सर्विस करना है तो वो आकाश सर्विस करेगा। तो ये वो हैं जो सामने खड़े हैं वाइट टी शर्ट पहन के, ये घर के मालिक हैं, तो इन्हीं का घर है, तो इन्हीं के घर पर हमें आना था।
तो इन्हीं से हम कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई आप अपना एड्रेस सही बताइए, किस जगह पे आप हैं। तो इन्होंने फ़ोन उठाया था, इनसे हमारी बात हुई थी। तो अभी बस आकाश काम करेगा और तब तक मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का जो नज़ारा है, कितनी प्यारी हरियाली है और गांव में कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और पक्षी कितने प्यारे प्यारे होते हैं, वो आप सभी को मैं दिखाऊंगा। तो अभी देखो आकाश ने अपना काम शुरू कर दिया है, ये अभी इसकी सफाई करेगा मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया है आकाश, वो कर रहा है अपना काम और मैंने सोचा कि यहाँ का आपको नज़ारा मैं दिखाऊँ। बहुत ही हरियाली है यहाँ पे, ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और ब्लॉग को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना, पूरा मज़ा आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से सामने का नज़ारा। यहाँ पे सामने गाय बंधी हुई है और छांव बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हरियाली यहाँ पे। एक मेरा दोस्त आया है, वो ना एसी का काम करता है, ठीक है, उसके नाल मैं आ गया। वो कहते यार सामान थोड़ा भारी है, लेके जाने थोड़ा ना करदा हूं ना गाने नहीं आहा, पेंट का काम। पेंट का काम यार गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओदे करके ना अपनी दुकान है भाई बर्फ वाली गली से, सिलाई का काम करते हैं अपन, पापा नाल ही काम करते हैं। ठीक, मैं व्लॉग बनाई जांदा सी। ठीक है, एक है व्लॉग मेरा YouTube चैनल है, मेरा एक YouTube चैनल है YouTube पे, आप सभी उस पर सर्च करना, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे पुराने दोस्त नंबर देना है, नंबर मेरा लो, नंबर लो। तो मेरे दोस्त मुझे मिले हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें? करेंगे, जरूर करेंगे, तेरे नाल आ जाए, तेरे करेंगे, जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। तो अभी मैं जब आया था यहाँ पे तो इन्होंने मुझे दूर से पहचान लिया, क्यों भाई पहचान लिया ना, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे। और आगे ब्लॉग में आपको मैं दिखाता हूँ, कुत्ता भी है भाई, हाँ यार कुत्ते को भी दिखाता हूँ। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम कैप्टन है, कैप्टन है ये, वाह यार। तो दोस्तों ये मेरे दोस्त मुझे मिल गए थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया और बहुत अच्छा लगा। ये जो जा रहे हैं ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों, बहुत ही यहाँ पे ठंडक है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों आप सभी को ये जगह कैसी लगी और व्लॉग कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताना। दोस्तों आकाश अपना काम कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ये काम करे तो हम रिटर्न घर पे जाएं, और क्योंकि अभी काफ़ी वक्त हो गया है और पूरा ज़ोर लगा रहा है, पूरा ज़ोर लगा दिया इसने पूरी बॉडी का। जियो मेरे शेर, वाह क्या बात है, देख रहे सब लोग तुम काम करते हो। बस अभी इसने गन उठा ली है, अब एक एक को ये मार देगा, भूंज के रख देगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं किसी को। हाँ दोस्तों ये अभी एसी की सर्विस कर रहा है, वॉश कर रहा है उसको। तब तक मैं सोचा मैं वीडियो बना लूँ और आप सभी को दिखा दूँ। यहाँ देखो पंजाब में जो घर होते हैं जिमीदार के, सरदार भाई लोग के,
उनके घर बहुत लंबे चौड़े होते हैं, आपने इसमें देखा होगा कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा वेड़ा है और कितनी गंदगी निकल रही इसमें से। आज ये आकाश बिना इसको साफ किए मानेगा नहीं, पूरी तरह इसकी सर्विसिंग कर देगा। दोस्तों कर दिया, और दोस्तों बिल्कुल अब रेडी हो चुका है कर दिया मेरे दोस्त ने, और अभी ठंडी हवा चल रही है, मेरे बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं, और उठने का मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंडी हवा चल रही है एसी की, मगर यार अपने घर पे तो जाना पड़ेगा भाई। तो गाइस ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों अब हमें रिटर्न घर पे जाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।